भाई साहब तो अभी यहाँ पे बन रहे हैं चावल और गाइस देखिए ये। हेलो भाई, हेलो भाई, ये हमारे ये महावीर जी सेन के सपुत्र पुत्र एक ही है लेकिन कैसे बढ़ूंगा आगे। तुमने भी नहीं किया, तुमने भी नहीं किया, तुमने भी नहीं किया क्या? सब्सक्राइब। न्यू व्लॉग। तो भाई साहब अभी हम आए जयपुर। तो गाइस जयपुर में आए थे हम एग्जाम देने के लिए मर्चेंट नेवी का। ठीक है, तो मेरे कॉल आया था कि आपको मर्चेंट नेवी का एग्जाम देना है तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए। तो मैंने फॉर्म फिल किया तो अपने कुछ फ्रेंड को बताया था। तो गाइस अभी हम जयपुर आ गए थे, हम शाम को आए थे और शाम को हम एक फ्रेंड के यहाँ पे रुक गए थे जो कि यहीं पे रहता है। ठीक है, तो रात को 2 बजे हम यहाँ पे आए और खाना बनाया था, आपने क्लिप देख ली होगी। तो गाइस अभी जो हम नहा वहाँ के सब रेडी हो गए और कुछ फ्रेंड नहा रहे हैं, उसके बाद में चलते हैं बाहर और बताते हैं हम आपको जयपुर नजर। ठीक है, तो व्लॉग में कंटिन्यू रहना। तो भाई साहब अभी जो सारे लौंडे हैं वो तैयार हो चुके हैं और अपना मतलब कि सभी बाल बाल संवार रहे हैं और अभी चलते हैं बाहर क्योंकि एग्जाम सेंटर पर चलेंगे, थोड़ा दूर नहीं यहाँ से, पास में है तो चलते हैं। ठीक है, अरे उठ जा, सो क्या रहा है। तो गाइस ये यहीं पे सो गया वापस। ठीक है, तो यार गाइस अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे रोड पे। तो यहाँ पे हमने कैब बुक की है तो वो अभी आ रही है, उसके बाद में कैब में बैठेंगे और अपने अपना जो सेंटर है वहाँ पे बैठ चलेंगे। और मेरे साथ 4 फ्रेंड और है, एक फ्रेंड यहीं पे रहता है, मैंने बताया था आपको, हम आप उसके यहाँ रूम पे रुके थे। तो गाइस अभी चल रहे हैं, ठीक है, टिकट बन रहा है, कैब मिलती है, कैब में बैठ के हम बैठ गए अपने कैब में और मैं उधर आप सुमित यहाँ पर रहता है। ठीक है, यहाँ से चल रहे हैं हम लोकेशन पे, देखिए किस तरह का दिखता है यहाँ पे। अरे भैया है हमारे कैब वाले, चलते हैं हम आपको सेंटर नजर करते हैं सेंटर कहाँ पे क्या। ठीक है, तो भाई साहब हमारा जो एग्जाम है वो क्लियर हो चुका है मतलब। ठीक है, तो हम वापस जा रहे हैं और इंग्लिश में था पूरा पेपर मर्चेंट नेवी का। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा फिर बाद में कम्युनिटी में उसका जो वो है पेपर डाल दूंगा। ठीक है, और जो इंग्लिश में था पूरा और किसी को समझ में नहीं आया लेकिन मुझे थोड़ा बहुत वो सब था आ गया। ठीक है, और मिलेंगे आप बाद में। ठीक है, अभी हम जाएंगे घूमने तो यहाँ से हम कैब बुक करते वापस वहाँ लेने आएंगे और फिर बाद में वहाँ से रूम पे चलते हैं वापस। ठीक है, रूम पे चलेंगे, रूम पे जाएंगे बाद में घूमेंगे। ठीक है, तो भाई साहब अभी हम आए शाम को बाहर घूमने। तो भाई साहब अभी हम जा रहे हैं डब्ल्यू टी पी। ठीक है, तो जो उदिराम बोल रहा था कि भाई डब्ल्यू टी पी चलते देखने के लिए, तो अभी जो भी दोस्त थे सारे और ये समीर है, मिल गया था मेरे दोस्त। ठीक है, ये बहुत पुराना दोस्त है मेरा। ठीक है, तो यही ये भी यही रहता है, तो यहीं पर रूम है इसका। तो सुमित के यहाँ पे हम रुके थे, अभी हम जा रहे हैं और मिलते हैं आपको वहाँ पर। ठीक है, तो सारे लोंडे आगे चल रहे हैं मैं पीछे। ठीक है, तो अभी मिलते हैं हम आप। ठीक है, डब्ल्यू टी मत बोलिए, सिटी पार्क साहब, सिटी पार्क पहुँच गए हम और ये सारा था। ठीक है, तो यहाँ का सीन लगे ये गाइस देखिए, मैं पहली बार आया था यहाँ में यहाँ पे। ठीक है, तो सभी फ्रेंड्स लोग हैं, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है गाइस। जो हमारे गांव में भीड़ होती है ना नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल होती है। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे। और ये सुमित गाइस साहब देखिए यहाँ का नज़ारा, मैं मन मजे नीचे डायमंड बोल भाई साहब मतलब भोजी की थी आगे चला तो बड़े आगे। भाई साहब यहाँ का जो नज़ारा है वो सच में एकदम नंबर एक नंबर है भाई साहब। देखिए गाइस यहाँ पर जितने भी है ना बहुत सारी पब्लिक है यहाँ पर, मतलब कि बहुत, ये मतलब कि इसे यहाँ का सिटी पार्क बोलते हैं जयपुर का। देखिए मेरे दोस्तों तो सारे इधर उधर घूम रहे हैं, नहीं उनके साथ ही हूँ। ठीक है, अभी हम चलेंगे यहाँ से और बाद में हमारी 6 बजे ट्रेन, तो 6 बजे ट्रेन बैठेंगे हम। ठीक है भाई साहब, हमारे पीछे भी एक वीडियो का शूट चल रहा है जो कि कॉमेडी वीडियो है, उसका शूट चल रहा था, मैंने उसका कोई शूट नहीं किया। ठीक है, और जो अब क्या सुंदर नज़ारा है मेरे सामने, मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। ये देखिए यार, मतलब ये जंजीर लगी हुई है और यहाँ पर एक मतलब कि देखिए क्या बोलूं मैं, इस तालाब यहाँ का फ्लैग और यहाँ पर देखिए जो सनसेट हो रहा है ना वो एक नंबर दिख रहा है गाइस। देखिए ये देखिए लड़ने यार वो यूट्यूब का वीडियो बना। तो यार गाइस यहाँ पर भी एक कॉमेडी का शूट हो रहा है जो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे देखिए भाई साहब यहाँ पर भी जो है ना वो जोरदार ही कॉमेडी शूट हो रहा है ना। तो पूछता हूँ मैं इनके चैनल का नाम, पूछूंगा भी इनके चैनल का नाम को क्या है, मतलब पब्लिक पब्लिक रिएक्शन के लिए शूट कर रहे हैं। तो गाइस आप सीरियस मत ना, ये केवल ना मतलब कि एक वीडियो बन रही है कि कॉमेडी वीडियो। ठीक है, तो भाई साहब हमारे पास मिले जीतू, क्या नाम है आपको, क्या नाम है, जीतू पंकज कॉमेडी, जीतू पंकज कॉमेडी वाले। तो भाई साहब ये हमारे जो क्रिएटर, तो बहुत बढ़िया राम राम जी, इनका चैनल अभी मैंने देखा सर्च किया, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, तो आप भी जरूर देखना है जाके और जरूर आपको मैं आप मतलब लिंक मैं इसके लिंक डाल दूंगा, तो जाइए जरूर देखना। और इनकी जो कॉमेडी यहाँ पर पब्लिक रिएक्शन में शूट हो रही है, तो भाई सब भी यहाँ पे देख रहे हैं और जरूर आप इन्हें अपना प्यार देना। और जिसने भी इनको देखा नहीं है तो जो नए है भैया तो इनको जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, और भाई को फुल सपोर्ट करना जैसे कि वीडियो बनाता है उसमें। ठीक है गाइस, भाई बहुत बढ़िया, हम ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते इनके क्योंकि गाइस। तो अभी मुझे
तो गाइज़ अभी यहाँ पर मुझे दो तीन यूट्यूबर मिले थे जिससे अच्छी सी मुलाकात हो गई, अच्छी सी फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है, नंबर भी एक्सचेंज कर लिया, उसके बाद में मिलेंगे, ठीक है। तो गाइज़ अभी हम यहाँ से निकासी कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी चलते गाइस, अभी हमारे ट्रेन का टाइम हो रहा है, तो अभी हम चलते रेलवे स्टेशन, ठीक है, यहाँ से स्मृति के घर पे चलेंगे और उसके बाद से बैग पैक करके चलते हैं ट्रेन, ठीक है, चले मित्र आना, इसका गाना सुनो, इसका गाना का जट 30 मार का। सो पीछे देखिए स्टैचू दिख रहे हैं, बाय बाद में देखेंगे, अभी बहुत जबरदस्त, और शाम का वक्त हो चुका है, सभी अपने अपने घर प्रस्थान कर रहे हैं, अभी हम भी चलते हैं, ट्रेन बहुत लेट हो चुकी है। तो भाई साहब अभी हम निकल चुके हैं सिटी पार्क से, और देखिए सारी लोंडी पीछे चुल कर रहे हैं, और अभी निकले, अभी जाएंगे फिर एक घर रहे हैं, वहाँ से हम पैक करेंगे, बैग पैक करेंगे, उसके बाद में जाएंगे हम मानसरोवर जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे, उसके बाद में रेलवे स्टेशन, फिर बाद में ट्रेन है, फिर बाद में।